दक्षिण एशिया में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए चीन कुछ भी करने को तैयार रहता है। इसके लिए वो अपने पड़ोसी पाकिस्तान और भारत जैसे देशों से पानी तक चुराने पर काम करता है, जिनमें सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का जल शामिल है। वो अपनी अनेक योजनाओं में इस पानी का प्रयोग कर रहा है। भारत और चीन द्वारा पानी को राजनीतिक हथियार बनाने वाले मुद्दे पर उसे कूटनीतिक पटखनी देने की योजना बना सकता है, लेकिन पाकिस्तान के पास ना इतना साहस है और ना ही वो शक्ति जो चीन को जवाब दे सके। इसीलिए वो बेचारा धीरे धीरे बिन पानी मौत की तैयारियां कर रहा है। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार चीन अपने शिनजियांग इलाके को कैलिफोर्निया की तर्ज पर ले जाने की एक योजना बना रहा है, जिससे आर्थिक गतिविधियों का विस्तार किया जा सके। चीन विकास के आड़े आने वाले अपने ही लोगों के मूल अधिकारों का हनन कर रहा है। इस कदम से जहां चीन में आर्थिक विकास होगा, तो वहीं इस क्षेत्र में रहने वाले गरीबों के मूल अधिकारों को चोट भी लगेगी, क्योंकि इस परियोजना से प्रांत के आसपास बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। नदियों के बहावों को रोककर चीन ने साबित किया है कि वह आर्थिक हितों को साधने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इस परियोजना को लेकर डॉक्टर बुर्जिन वाघमार ने बताया, इस हालिया परियोजना के अंतर्गत दक्षिणी तिब्बत के यारलांग सांगपो से 1000 किलोमीटर की सुरंग खोदी जाएगी, जिसके जरिए एशिया के वाटर टावर से पिघलने वाला जल तिब्बत से होते हुए तकलामाकन के मरुस्थल वाले दक्षिण पश्चिमी शिनजियांग तक जाएगा। उन्होंने बताया कि ठंडे बस्ते में जा चुकी इस परियोजना को चीन फिर से लाने की योजना बना रहा है, जिसका एक ट्रायल युन्नान शहर में किया जा रहा है। इंजीनियरिंग और तकनीक के अलग अलग माध्यम से सुरंग खोदने का काम किया जा रहा है, जिससे फिर शिनजियांग पर आजमाया जाएगा। गौरतलब है कि ऐसा ही एक मॉडल सिंधु नदी पर दोहराया जा रहा है। भारत चीन की इन करामातों से लड़ने में सक्षम है और कूटनीतिक स्तर पर चीन को जवाब भी दे सकता है, जबकि पाकिस्तान की हालत इतनी पतली है कि उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ज्यादा कुछ बोल सके। वो तो अपना विरोध भी नहीं दर्ज कर पाता है। चीन से वफादारी के बावजूद पाकिस्तान को हर बार नुकसान ही मिलता है। ऐसे में जिस सिंधु नदी का पानी कम्युनिस्ट पार्टी मोड़ने की प्लानिंग कर रही है, वो पाकिस्तान के कब्जे वाले पंजाब का है, जिससे पाकिस्तान में ही पानी की कमी हो सकती है। सिंधु नदी को मोड़ने के साथ ही चीन दक्षिण पश्चिमी खंड को जोड़ने की योजना बना रहा है, जिसमें पश्चिमी तिब्बत के इलाके का सिंधु नदी का पानी भी शामिल होगा। पाकिस्तान के इलाके की सिंधु नदी का पानी मोड़कर चीन पाकिस्तान को सूखा रहने पर मजबूर कर देगा। चीन अपने आर्थिक विकास के लिए कुछ भी कर सकता है और वो किसी को भी परेशान करने से परहेज नहीं करता है। अगर ऐसा कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा कि वो दिन भी आएगा जब चीन पाकिस्तान पर ही अपना अधिकार जमा लेगा। सिंधु नदी का मुड़ाव चीन की तरफ होने से पाकिस्तान की मुसीबतों में इजाफा होगा। अपंग पड़ी अर्थव्यवस्था को भी इससे झटका ही नहीं लगेगा, बल्कि उसके सिकुड़ने की संभावनाएं दोगुनी हो जाएंगी। यही नहीं, पहले से ही अनेकों आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहे पाकिस्तान के लिए एक ऐसा झटका होगा जो उसे उबरने ही नहीं देगा। चीन के खिलाफ बोलना तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल है, इसलिए सैन्य कार्रवाई तो दूर की कौड़ी ही होगी, जबकि चीन के लिए कोई नई बात नहीं है। मीकोंग नदी का पानी चीन पहले ही बेतरतीब तरीके से सुखा रहा है। उसके ऊपर 11 से अधिक बांध है जो 47 बिलियन क्यूसेक से ज्यादा पानी के संरक्षण की क्षमता रखते हैं। यही नहीं, चीन थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम जैसे देशों में मीकोंग नदी का पानी नियंत्रित कर रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रवाह पर लगाम लगाई जा सके। सिंधु नदी के पानी को मोड़ने के मुद्दे पर भारत और चीन को लताड़ लगाएगा और अपनी सैन्य शक्ति के प्रयोग से भी नहीं हिचकेगा, जबकि पाकिस्तान एक बार फिर हमेशा की तरह इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए गुलामी की नीति अपनाएगा, जैसे उसने चीन को अपना अस्तित्व बेच दिया हो, जो भविष्य में उसके लिए ही विनाशकारी साबित होगा।